शिव ठाकरे के सबसे अच्छे दोस्त एमसी स्टैन को बिग बॉस के वीकेंड का वार पर सलमान खान ने सबसे बड़ी सजा सुना डाली है। एक ऐसी सजा जिसे सुनने के बाद एमसी स्टैन काफी ज्यादा हैरान हो गए। जी हाँ, बिग बॉस ने एमसी स्टैन को एक ऐसी सजा सुनाई कि घर के सभी कंटेस्टेंट्स काफी ज्यादा हैरान हुए, साथ ही साथ एमसी स्टैन की तो आंखों से आंसू ही आने वाले थे। इसी बीच शिव ठाकरे ने एमसी स्टैन को समझाया कि कोई बात नहीं, ऐसी सजा तो मिलती रहती है, लेकिन एमसी स्टैन के आने वाले 4 हफ्ते अब इतने ज्यादा मुश्किल हो गए हैं कि कहीं वो आने वाले 4 हफ्तों के अंदर घर से बेघर ना हो जाएं। जी हाँ, एमसी स्टैन के फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर बिग बॉस से सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एमसी स्टैन और शालीन भानोट के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, दोनों के बीच हाथापाई भी हो गई थी, जिसमें एमसी स्टैन घर में एक गमला उठाकर शालीन भानोट को मारने के लिए भागे थे, जिसको लेकर शिव ठाकरे ने भी एमसी स्टैन को पकड़ लिया था। लेकिन दोनों के बीच इतनी बड़ी हाथापाई हो गई कि सलमान खान ने वीकेंड का वार पर दोनों को जमकर फटकार लगाई। ऐसे में अब बिग बॉस ने इसी को लेकर एमसी स्टैन को सबसे बड़ी सजा सुना डाली है। बिग बॉस ने कहा कि एमसी स्टैन, जो कुछ भी हुआ, घर में जो भी लड़ाई हुई, लेकिन तुम जिस तरह से गमला उठाकर शालीन को मारने के लिए गए, अगर सभी घर वाले बीच बचाव में नहीं आते तब तो तुम उसका सर ही फोड़ देते। जी हाँ, एमसी स्टैन जिस तरह से गमला लेकर शालीन की तरफ भागे थे, ऐसा लग रहा था कि आज वो शालीन को तो मार ही डालेंगे। एमसी स्टैन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि लड़ाई झगड़े के दौरान शालीन भानोट ने एमसी स्टैन के माता पिता को गाली दे डाली थी। यहाँ तक कि ये बात भी कह दी थी कि तुम्हारी माँ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे यहाँ पर आकर बात करे। जी हाँ, इसी बात को लेकर एमसी स्टैन काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ऐसे में सलमान खान ने तो एमसी स्टैन को जमकर फटकार लगाई, ये कहा कि एमसी स्टैन, अगर तुम गाली देते हो तो आगे से अगर कोई गाली दे तो उसे सहने की शक्ति भी तुम्हें रखनी चाहिए। ऐसे में बिग बॉस ने एमसी स्टैन को एक बहुत बड़ी सजा सुना डाली है। बिग बॉस ने कहा कि एमसी स्टैन, आने वाले 4 हफ्तों के लिए तुम सीधे सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो। यानी आने वाले 4 हफ्तों में जितने भी नॉमिनेशन को लेकर टास्क होंगे, एमसी स्टैन उन टास्क में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो सीधे सीधे घर से बेघर होने के लिए पहले से ही नॉमिनेट हैं। अब देखना ही होगा कि आने वाले 4 हफ्तों में क्या ऐसा ना हो कि एमसी स्टैन घर से बेघर हो जाएं। जी हाँ, आने वाले 4 हफ्ते एमसी स्टैन के लिए सबसे मुश्किल हफ्ते हैं, क्योंकि वो पहले से ही घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हैं, और अगर कोई कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होता है तो उसके सर पर एलिमिनेशन की तलवार 24 घंटे ही लटकी रहती है। ये एक एमसी स्टैन के फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करें, और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।